Bismillahirrahmanirrahim. In this section, we will learn about the programming environment. We will learn about Integrated Development Environment, IDE. In this video, I will show you some of the screenshots of the Dev C++ environment. Actually, जो C का environment था वो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स पे, बिकॉज सी इज़ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, तो आजकल के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन पे वो एग्जीक्यूट नहीं होती, रन नहीं हो सकती. उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि सबके पास अब जो है वो बहुत डेवलप्ड सिस्टम्स हैं. तो इसलिए हमारे पास एक एप्लीकेशन मौजूद है, मैं आपको उसका भी लिंक भेज दूँगी, डेव C++, और आपको इसका वर्जन भी यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, एज़ यू कैन सी ओवर हियर, डेव C++ 4.9.9.2. इसको आप इसका जो है सेटअप ले लेंगे और आप फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर्स पे. यू कैन ईजिली रन योर सी लैंग्वेज है. और C++ मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी, मीन्स कि इसमें सी के भी सारे फीचर्स मौजूद हैं, कुछ प्लस उसके के अपने भी फीचर्स मौजूद हैं. तो C++ के एनवायरनमेंट को यूज़ करके आप सी का प्रोग्राम ईजिली रन कर सकते हैं. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके, लाइक यू कैन सी इन द फिगर. अब यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, उन सब के मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, टैब्स नज़र आ रहे हैं, नीचे कुछ टूल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं. इन टूल्स का भी क्या यूज़ है मैं आपको बताऊँगी टाइम टू टाइम, लेकिन आप लोगों को इन सब को गर्ल्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत है डेव सी को, ताकि आप इसे के एनवायरनमेंट को समझ सकें. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसे इंटरफेस को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके कोई एक स्पेसिफिक पर्पस या टास्क अचीव करने के लिए आप यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू क्रिएट, कंपाइल एंड रन प्रोग्राम, जिसमें आप प्रोग्राम को राइट करते हैं, यानी कि प्रोग्राम करते हैं, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं, यानी कि उसको ट्रांसलेट करते हैं टू ऑब्जेक्ट कोड, और फिर उसको रन करते हैं. रन करने का मतलब यह कि जब आपको आउटपुट व्यू करनी होती है तो आपको उसको रन करना पड़ता है. IDE is computer software that brings all the processes and tools required for program development to one place. सारे के सारे tools आपके यहाँ पे IDE मौजूद होते हैं और आप उनको use करते हैं for to develop your program. और जितने भी आजकल के modern जो IDEs हैं, जितने भी यानी कि modern languages हैं या programs हैं या softwares हैं, उनमें graphical user interface use किया जाता है, ज़्यादातर graphics का use होता है, so that your programming can be easier. Programming environment of C language IDE consists of following modules, text editor है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये area. ठहरें जी, मैं आपको show करती हूँ. As you can see here, this is the text editor. ये जो white area आपको नज़र आ रहा है ना, ये text editor कहलाता है. फिर आपका compiler होता है, ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं, इनमें ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रोग्राम को. फिर है लिंकर, फिर है लोडर, एंड देन देयर कम्स डीबगर. टेक्स्ट एडिटर के बारे में तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, आप अपनी जितनी भी जो सोर्स कोड होगा, यानी कि प्रोग्राम जो आप लिखेंगे जिस एरिया में, उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है. जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एक ब्लैंक पेज आपको नज़र आ रहा होता है, जिसमें आप अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, उसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर. कंपाइलर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पहले ऑलरेडी, कि कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सी लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. जिसको कंप्यूटर समझ लेता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है. कंपाइलर और क्या क्या काम करता है, वो सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करता है और आपको बताता है कि कौन कौन सी लाइन में कौन कौन से एरर्स मौजूद हैं. जब तक आप सारे के सारे सिंटैक्स एरर्स को रिमूव नहीं कर लेते, आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता. ठीक है, आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका जो एक्सटेंशन होती है वो ऑटोमेटिकली डेव सी में, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे और आप उसको सेव करेंगे, तो वो डॉट सी की एक्सटेंशन से सेव होगी. जितने भी आपके प्रोग्राम्स होंगे सोर्स कोड्स यानी कि होंगे, वो डॉट सी की एक्सटेंशन से सेव होंगे. लेकिन जब
कंपाइलर आपका उस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा और उसको उस प्रोग्राम को ऐसे कोड में कन्वर्ट करना है जो कि अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर हो, तो तब वो वाली जो फाइल क्रिएट होगी वो कहलाएगी .obj के एक्सटेंशन के साथ, obj के एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। ठीक है, हेयर कम्स द कंप्लीट प्रोसेस। यू कैन सी हेयर लाइक इन दिस फिगर देयर इज़ अ सोर्स प्रोग्राम थ्रू कंपाइलर सॉफ्टवेयर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लाइक जब आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट हो गया तो सी के अंदर कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके प्रोग्राम को लिंक करते हैं लिंकर के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू मशीन को समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस होता है, लिंक किया जाता है और उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एग्जी फाइल हमेशा कोई भी किसी भी प्रोग्राम की एग्जी फाइल जो होती है उसका मतलब ये होता है कि अब आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मीन्स इट इज़ एरर फ्री एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड नाउ यू कैन इजीली सी इट्स आउटपुट। लिंकर, लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। लिंकर क्या करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जब क्रिएट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा विदाउट एनी। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोग्राम तो समझ में आ गया लेकिन अब कंप्यूटर ने उसका आउटपुट भी तो शो करना है ना, एग्जी फाइल बनानी है एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उसके लिए जो फिर जिसका काम आता है वो लिंकर का काम आ जाता है, वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ इट कुड नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज़ यूज इन द प्रोग्राम देन इट वुड अज्यूम दैट इट इज़ डिफाइंड द सी लाइब्रेरी। इट विल रिप्लेस दिस फंक्शन इन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द कोड फ्रॉम सी लाइब्रेरी एंड देन क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। कुछ आगे जाके जब आप लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो मैं हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली पहले से ही बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आपको नहीं वो फंक्शंस बनाने पड़ते, आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम का और पावर का और हम लोग मिनिमम का मैक्सिमम का ये फंक्शंस यूज़ करते हैं ना, ये पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं, हम सिर्फ उन फंक्शंस को लिख लेते हैं और ऑटोमेटिकली लिंकर क्या करता है उनको लाइब्रेरी जो सी की लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनमें से ढूंढ कर ले आता है उनकी डेफिनेशन को और उनको एग्जीक्यूट कर लेता है। लोडर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट्स देम। और ये बात आपको मैं बहुत अरसे से बताती आ रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी स्टूडेंट होगी जिसको नहीं पता होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है इनिशियली सारी फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर रिजाइड कर रही होती हैं, जब उनको CPU में आना पड़ता है तो आप उनको कहाँ लेकर आते हैं, मेन मेमोरी में। ये बात पता है ना आपको, मेन मेमोरी से फिर वो आपके CPU में जाती हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं वो प्रोग्राम्स। सेम इज़ द केस विद द लोडर। व्हाट लोडर डू, क्या करता है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके प्रोग्राम को उठाता है ताकि वो एग्जीक्यूशन के लिए उसको कहाँ जाना है CPU में, और CPU में जाने के लिए लोडर क्या करेगा आपके प्रोग्राम को सबसे पहले मेमोरी में लाएगा। डीबगर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्रोसेस कहलाता है जिसमें आप अपने एरर्स को यू कैन फाइंड एरर्स एंड यू कैन रिमूव देम, इस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। प्रोग्राम्स की बेसिक्स हैं, जैसे हर लैंग्वेज को आप जब पढ़ते हैं तो उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स के सेट होते हैं। सी लैंग्वेज का भी एक करेक्टर सेट है जिसमें लेटर्स आते हैं, लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स हैं, A to Z है, स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z, डिजिट्स आ जाते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ये सारे लेटर का सेट आपने ऑलरेडी बेसिक लैंग्वेज में भी पढ़ा है इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं ये भी आ जाते हैं, आप ये समझें कि कीबोर्ड के ऊपर आपके जितने भी करेक्टर्स मौजूद हैं वो सबके सब किसी भी लैंग्वेज की करेक्टर सेट बनाते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज है, ये सब के सब आपको यहाँ देख लें इस टेबल के अंदर शो हुए हैं। इसके बाद क्या है, हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको याद होगा बेसिक में हम रिजर्व वर्ड्स यूज़ करते थे, प्रिंट का हम रिजर्व वर्ड यूज़ करते थे, लोड का हम रिजर्व वर्ड यूज़ करते थे, लेट का हम यूज़ करते थे, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है ना, उनको आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सी का जो रिजर्व वर्ड्स का सेट है वो आपको इस टेबल में शो किया हुआ है, और आप जब सी के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली खुद बहुत याद भी हो जाएंगे।
कुछ हेडर फाइल्स हैं जो कि हमें अपने प्रोग्राम में लाजमी ऐड करनी होती हैं जब भी हम किसी सी का प्रोग्राम बनाएंगे। इन हेडर फाइल्स के अंदर ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। अगर आप इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। कौन कौन सी हैं कुछ कॉमनली यूज हेडर फाइल्स हैं, जैसे stdio.h, conio.h। stdio.h की ये एब्रीवेशन किससे बनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। इसमें जो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं ना वो यूज़ होते हैं, उनकी डेफिनेशन मौजूद है, लाइक प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ से तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा क्योंकि आपने प्रिंट का वर्ड पहले भी यूज़ किया हुआ है। प्रिंट एफ इज़ यूज फॉर द आउटपुट, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करानी है उसके लिए आप प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, जबकि स्कैन एफ का फंक्शन आपने जब भी यूज़र से कोई चीज़ लेनी है, डेटा लेना है, तो फिर आप स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हम लोग सी में यूज़ करेंगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपको पता चलेगा। जैसे क्लियर स्क्रीन है, गेट सी एच इन, इन सब के भी स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो फिर मैं आपको इनकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन बताऊँगी। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, अगर उस पहले से कोई प्रोग्राम मौजूद है आपने लिखा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से गेट सी एच का फंक्शन गेट करेक्टर करता है, और आपको स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराने से पहले उसको गेट करना पड़ता है किसी भी करेक्टर को, ये सारे कामों करता है। कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, लाइक स्क्वायर रूट, पावर, लॉग, साइन, कोसेकेंट एंड टेंजेंट, ये आपको मैथ्स में भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शंस बने बनाए होते हैं, आपको स्क्वायर रूट या पावर ये फंक्शन इनकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो इन ऑर्डर टू यूज़ आप यू कैन सी इन द फिगर, सोर्स प्रोग्राम है आपका, ठीक है। ये पहली लाइन जो यहाँ लिखी हुई है ना, इंक्लूड stdio.h, दिस वन, ये लाइन आपको अपने हर प्रोग्राम में लिखनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद आप आ जाते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको प्रोग्राम का बताया जा रहा है। ये जो आपको स्टेटमेंट मैंने बताई थी यहाँ, इंक्लूड stdio.h, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, और दूसरी स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे जो आपको यहाँ नहीं बताई लेकिन आप अपने हर प्रोग्राम में इसको ज़रूर ऐड करेंगे, दैट इज़ हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद आपका मेन का फंक्शन आ जाएगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, जितने भी प्रोग्राम के लॉजिक होगी, स्टेटमेंट्स होंगी, वो सब आप इसके अंदर लिखेंगे। और अगर आपने कोई फंक्शन खुद से बनाना होगा, फंक्शन आप खुद से कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि फर्दर ये जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें आप ये बातें लर्न करेंगे, सीखेंगे, इसलिए इसके बारे में परेशान ना हों। अभी आप अपने प्रोग्राम का सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा सा ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम करता क्या है पहले मैं इसकी आउटपुट आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर आई लव पाकिस्तान प्रिंट करेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कराई जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया, उसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल में, हेडर फाइल में मौजूद है। डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल। उसके बाद मेन का फंक्शन है, ये भी आपके हर प्रोग्राम में मौजूद होगा। इस void का क्या मीनिंग है, इसके रिटर्न टाइप void है, और आर्ग्यूमेंट्स मेन के बाद जो void लिखा हुआ है इसके आर्ग्यूमेंट्स भी nil हैं। void का मतलब nil नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होती है, अभी इस लेवल पे मैं आपको नहीं समझा रही ये बात, बस आपने ये याद रखना है कि void, main, void आपने अपने हर प्रोग्राम में लिखना है। उसके बाद curly brackets हैं, curly brackets के अंदर आप कुछ भी करना चाहते हैं कर लें, जो भी according to the requirement, ठीक है, आपको जो भी कहा जाए। अभी जैसे मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि आपने आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो आप उसके लिए प्रिंट एफ की सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखें। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम मस्ट एंड्स विद अ सेमी कॉलन, एज यू कैन सी हियर। ठीक है गर्ल्स, कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक बता दी हैं, ये सब कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा भी दिया है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास सिर्फ इंक्लूड की नहीं होती हैं बल्कि डिफाइन की भी होती हैं।
जब भी आपने कोई प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, आप उसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप हैश साइन डालेंगे, उसके बाद आप इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। डिफाइन की हमारे पास बाद में आएंगी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और उसके बाद आप उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया stdio.h इज़ द हेडर फाइल जिसमें इनपुट आउटपुट के फंक्शंस मौजूद हैं। मेन का भी मैंने आपको बता दिया। मेन प्रोग्राम के बारे में भी सिर्फ इतना समझ लें कि आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, सबसे पहले कहाँ एंटर होगा कंट्रोल आपका मेन के फंक्शन में। उसके बाद बॉडी ऑफ मेन आ जाती है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड होती है। फिर हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, कमेंट्स हैं, ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं करा रही, कमेंट्स इसको छोड़ दें। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं, आप लोगों ने बेसिक लैंग्वेज में भी कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स पढ़े थे, यहाँ पे भी ये वही वाले कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज़ होती हैं विच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जैसे 7145 नंबर है, 234 नंबर है, ये नंबर हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। इसमें नुमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, ये करेक्टर कॉन्स्टेंट्स की हम बात करेंगे, ए से जी तक सारे लेटर्स इसमें आ जाएंगे, या जितने भी स्पेशल लेटर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल करेक्टर्स, जब हम एक पूरी लाइन ऑफ वर्ड्स लिखते हैं या लाइन ऑफ करेक्टर्स लिखते हैं या एक वर्ड हम लिखते हैं जिसके अंदर मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड इनटू डबल कोट्स एज यू कैन सी हियर। देन देयर कम्स सम वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर आप इन कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है नुमेरिक कॉन्स्टेंट्स को आप किन वेरिएबल्स में रखेंगे? नुमेरिक वेरिएबल्स में। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स को किन में रखेंगे? करेक्टर कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। कुछ रूल्स हैं फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम, जैसे आप वेरिएबल नेम के अंदर डॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर के साथ आप लेटर्स को जोड़ सकते हैं, आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं लाइक हैश, क्वेश्चन मार्क है, द रेट का साइन है, ये सब आप नहीं यूज़ कर सकते। आप अपने जो रिजर्व वर्ड्स हैं जो आपको मैंने टेबल में समझाए थे वो नहीं यूज़ कर सकते। इनको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए।